लैपटॉप बिल्कुल ओके है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये साइड से इसका जो है ना एक कॉर्नर ब्रेक हो गया हुआ है, ठीक है। ये रबड़ इसकी जो है ना उतर गई हुई है, ये कॉर्नर ब्रेक है, इसको बोलती हैं ए पैनल। ये ए पैनल जो है ना वो ब्रेक हुआ हुआ है, तो ये चेंज करेंगे हम आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, दोस्तों अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये डेल का लैपटॉप है, लैटीट्यूड E6440। लैपटॉप बिल्कुल ओके है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये साइड से इसका जो है ना एक कॉर्नर ब्रेक हो गया हुआ है, ठीक है। ये रबड़ इसकी जो है ना उतर गई हुई है, ये कॉर्नर ब्रेक है, इसको बोलती हैं ए पैनल। ये ए पैनल जो है ना वो ब्रेक हुआ हुआ है, तो ये चेंज करेंगे हम आज, इसको रिप्लेस करेंगे, फ्रेश जो ए पैनल है वो लगाएँगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना इसका ये जो मेन फिटिंग है ये ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से आपने नॉर्मल ओपन कर लेना है। देखिए पूरा पैनल ओपन हो गया, ठीक है। तो ये साइड वाला कॉर्नर वाला जो रबड़ है ये ब्रेक हुआ हुआ है, तो दूसरे वाला जो लैपटॉप है उसका पैनल उतार के तो इसको लगाएंगे, ठीक है। ये पैनल उतार लेंगे इसका, तो ये पैनल इधर शिफ्ट करेंगे। चलिए ये वाला पैनल जो है ना उतार लेते हैं अब। बिस्मिल्लाह जी, ये पैनल उतार लिया, ठीक है। तो अब ये पैनल इधर शिफ्ट कर लेंगे दूसरे लैपटॉप के ऊपर। बिस्मिल्लाह, प्रॉपर तौर के ऊपर आपने फिटिंग करनी है इसकी, ठीक है। ठीक है, ये प्रॉपर फिटिंग होगी है इसकी, ये साइड से चेक करें, प्रॉपर इसकी फिटिंग होगी है, तो बिल्कुल ओके है अभी ये, इसको टर्निंग ऑन की है। ठीक है, इसका डिस्प्ले वगैरह आ रहा है, क्लियर है, तो बिल्कुल ओके है ये। आज के लिए इतना ही, हम इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।